जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के छोटे चरण में 15.5% से ज्यादा हुई वोटिंग। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में लगेंगे 3,00,000 कर्मचारी। प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली की सीमा से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने रविवार को दिल्ली के अपने अरविंद केजरीवाल द्वारा किसानों के समर्थन में सोमवार को उपवास रखने की घोषणा को बताया नाटक। प्रदेश के 12 जिलों के 50 निकायों में कांग्रेस के 620, भाजपा के 548 उम्मीदवारों ने जीत की दर्ज। जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी चालान के आरोप में 140 लोगों को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अदालत का समय बर्बाद करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा वालों ने पाकिस्तान से आए 2 आतंकियों को किया ढेर, 1 किया गिरफ्तार। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन, दिल्ली बॉर्डर पर किसान करेंगे अनशन, देश भर में देंगे धरना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, राष्ट्रीय अखंडता और एकता को कमजोर करने वाले प्रयासों की अनदेखी नहीं कर सकता भारत।